टीजीग्रिंडिया डीएसओ ने मनाया भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस। स्थानीय पीजी कॉलेज में छात्र संगठन डीएसओ द्वारा आजादी के नायक भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु का शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। आज छात्र संगठन डीएसओ की तरफ से आज़ादी आंदोलन के तीन जो महान क्रांतिकारी हुए भगत सिंह राजपूत, इनका शहादत दिवस मनाया गया है। सिर्फ पीजी कॉलेज में ही नहीं, देश भर के तमाम हिस्सों में हम भगत सिंह को मनाते हैं, शहीदों को मनाते हैं, इस उद्देश्य के साथ ताकि इनके विचारों को, इनकी शिक्षाओं को लोगों के बीच ले जाया जा सके। खासतौर पर 23 साल के नौजवान भगत सिंह आज़ादी आंदोलन में उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देश की आज़ादी, पूर्ण आज़ादी चाहती थी। एक तरफ जब देश में संघर्ष चल रहा था, डोमिनियन स्टेटस की मांग आ रही थी, तब सबसे पहले भगत सिंह ने कहा कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ गोरे अंग्रेजों को भगाने से काम नहीं चलेगा, गोरे अंग्रेजों के साथ साथ जो काले अंग्रेज हैं, जो देश के लोग हैं, जो देश की जनता को लूटते हैं, उन्हें भी इस देश से बाहर जाना चाहिए। इस बात को लेकर भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज़ादी आने के बाद क्या हुआ? आज इतने साल बीत गए हैं, हम देखते हैं कि भगत सिंह के सपने आज अधूरे रह रहे हैं। आज भगत सिंह का फोटो लोगों की टी शर्ट पर मिल जाएगा, लेकिन भगत सिंह जो चाहते थे वो लोगों के बीच में नहीं है। इसलिए आज देखिए, भगत सिंह ने सांप्रदायिकता के खिलाफ बोला, भगत सिंह ने बोला छात्रों को किस तरह की राजनीति करनी चाहिए। भगत सिंह ने हमें बताया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच दरार पैदा करना शासक वर्ग की साजिश होती है, लेकिन सारी शिक्षाओं को आज लोगों से दूर रखा गया है। हमारा मानना है कि अगर इन शिक्षाओं को आज लोगों के बीच ले जाया जाए तो हम समाज को बेहतर बना सकते हैं, समाज को सांप्रदायिकता की आग से बचा सकते हैं, समाज को वैमनस्य की आग से बचा सकते हैं।